हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू काली मिर्च। दोस्तों, आज मैं आपको आलू गोभी मटर से बनी एक डेली वेज प्रिपरेशन बताने वाली हूं, बट इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे। ये सब्जी हम बनाएंगे सरसों के तेल के साथ, जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों भी खिल उठेगा। तो आइए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं सरसों वाली आलू गोभी मटर। ये सब्जी हम बनाने जा रहे हैं 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हमें लगेगा 2 कप कॉलीफ्लावर फ्लावर्स, 1 कप फ्रेश मटर, 1 मीडियम साइज आलू टुकड़ों में कटा हुआ, 1 मीडियम साइज प्याज लंबाई में कटा हुआ, 2 मीडियम साइज टोमेटोज फाइनली कट। मसाले के लिए हम लेंगे 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 5-6 काली मिर्च और 8 से 10 मीडियम स्पाइसी सूखी लाल मिर्च। अन्य सामग्री इस प्रकार है: 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 तेजपत्ता, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और नमक। गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और कसूरी मेथी। सबसे पहले हम मसाला पीसेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन, गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च, इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। जरूरत पड़ने पे थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी मसाले की पेस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना फाइन पीसा हुआ है। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम किया है। इस तेल में हम आलू और गोभी को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारे आलू गोभी भून के रेडी हो चुकी है। आइए इसे एक प्लेट में निकालते हैं। इसके बाद हम सब्जी के तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम किया है। इसमें मैं डालूंगी तेजपत्ता, और प्याज को हम नरम होने तक भूनेंगे। प्याज गरम हो गया है, आइए अभी इसमें डालते हैं टमाटर और इसे पूरा गलने तक भूनेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, पीसा हुआ मसाला, और 2 टेबलस्पून नमक। और इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनेंगे। हमारा मसाला अभी भून चुका है। इसमें अभी हम डालेंगे आलू गोभी और मटर। और इन्हें हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। आइए अभी इस पर डालते हैं 2 कप पानी। अभी हम इसे ढक के धीमी आंच पे
8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। वाओ, हमारी सरसों वाली आलू गोभी मटर रेडी है। आइए अभी इसे सर्विंग बोल में लेके गार्निश कर देते हैं। दोस्तों, हम सब्जी को गार्निश करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़े से धनिए के साथ। सरसों के तेल की वजह से ये सब्जी का रंग और स्वाद काफी खिल गया है। आप इसे एंजॉय कीजिए गरम गरम रोटी के साथ।